देखिए वो कौन से 25 अमेजिंग वेरी इंटरेस्टिंग मेकअप हैक्स जिससे आपके लिए मेकअप करना बहुत आसान हो जाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ। गजल एंड वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि आप उनको कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस मिस ना करें। और जब मैं अपलोड करूं वीडियो तो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस देखें। और इसके अलावा गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि जुलाई 14 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे संडे मैं आपसे मिलूंगी इंस्टाग्राम पर लाइव। तो अगर आप मुझे लाइव मिलना चाहें तो गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कीजिए। और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप करने के 25 अमेजिंग इंटरेस्टिंग से हैक्स। मैं अक्सर इनको यूज करती हूँ कि कितनी प्रैक्टिस हो जाए आपको मेकअप की, लेकिन गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इन हैक्स के बाद आपको बड़ा मजा आएगा मेकअप करने। देखिए वो कौन सी है। अक्सर ये होता है कि फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ऑयली होती है, तो उसको अब एक दफा फाउंडेशन खरीद ली जाती है तो बार बार जो है वो जब तक खत्म नहीं होती तो हम सोचते हैं कि चलिए इससे काम चला लेते हैं। तो अगर वो बहुत ऑयली है, आपकी फेस को बहुत ऑयली ऑयली बना रही है वो फाउंडेशन, तो आप क्या करेंगे। अक्सर ऐसा भी होता है कि गर्मियों के दिनों में हमारा फाउंडेशन जो है वो बहुत ऑयली होने लगता है, तो इसके लिए आप अपना थोड़ा सा प्रेस पाउडर या लूज पाउडर अपने फाउंडेशन में अगर मिक्स कर लें तो वो मैट फिनिश देगा। लोगों के पास बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास एक ही ब्रश होता है, उसी से काम चलाना होता है, तो एक ही ब्रश से ही काम चलाया जा सकता है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपके किसी भी ब्रश में आप बॉबी पिन लगा लें तो ये बहुत ही पतला सा ब्रश बन जाएगा और इजीली आप इसके साथ कंटूरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अपना आई शेड का ब्रश अगर आपके पास बड़ा है तो उसे छोटा बनाने के लिए आप उस पर रबर बैंड बांध दीजिए और उसका पॉइंटेड कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से आप आराम से इसे आई शेड के लिए यूज कर सकते हैं। अक्सर जब डार्कर शेड लगाया जाता है ना कॉर्नर पर, आपकी कॉर्नर ये इसी तरह से इसके लिए भी एक हैक है। इसके लिए बहुत अच्छी टिप है कि स्कॉच टेप का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए और आप आम के कॉर्नर से लेकर आईब्रोज के कॉर्नर तक इसे लगा लीजिए। अब आप अपने किसी भी डार्कर आई शेड की मदद से अपनी आम को लिफ्ट करने के लिए कॉर्नर बना सकती हैं और जब आप रिमूव करेंगे तो ये बहुत नीट लगेगा। अब आप किसी भी ब्रश की मदद से इस कॉर्नर को ब्लेंड कर लीजिए। आई मेकअप जो है वो बड़ी स्पेशलाइज्ड फील होती है, उसमें छोटे छोटे से टचेस से आप बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तो देखिए कि आंख को अगर आपको बड़ा इल्यूजन देना है, बड़ी बड़ी आंख लगे तो क्या करना चाहिए। अगर आप चाहती है कि आपकी आंख बड़ी बड़ी दिखे तो आप अपनी लोअर वाटर लाइन पर वाइट कलर की आई पेंसिल लगाइए और अपर वाटर लाइन पर ब्लैक कलर की, तो इससे ये होगा कि आपकी आंख बहुत वाइट और बड़ी लगेगी और आपकी लैश लाइन भी बहुत थिक लगेगी। और ऐसा भी होता है कि हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर फाउंडेशन लगाते हैं, तो कभी कभी जल्दी भी होती है, तो बहुत ही आसान सा तरीका। अपनी फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा सनस्क्रीन या सन ब्लॉक मिक्स कर लीजिए तो आपको ये सीसी या बीबी क्रीम का काम देगी। और जब हम आईलाइनर लगाते हैं तो प्रॉपर लाइन नहीं बनती, तो क्या करना चाहिए देखिए। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंख को इस तरह से लिफ्ट कर लीजिए और ब्रश की मदद से जितना आप ऊपर तक आईलाइनर चाह रही हैं, अपनी आंख को लिफ्ट करना चाह रही हैं, वो आप लाइन लगा लीजिए और उसको अपनी लैश लाइन के साथ नीचे तक ले आइए। अब आप इस लाइन को आराम से अपनी लैश लाइन के साथ जिस तरह भी आप शेप देना चाहें आईलाइनर को, आप इसके साथ मर्ज कर लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए जो भी आपको डिजायर्ड शेप चाहिए आईलाइनर का, और ये परफेक्ट आपका आईलाइनर इस तरह से लग जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने बिल्कुल ट्रू मैच नहीं मिलता हमारी स्किन से फाउंडेशन का कलर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका तो ये है कि आप लाइट और डार्क फाउंडेशन को मिक्स करके अपना डिजायर्ड शेड बना लीजिए, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो, आपको ना मिले वो शेड, तो आप अपने फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का आई शेड और थोड़ा सा अपना ब्लशर पिंक या पीच कलर का मिक्स कर लें तो आपको अपना पसंद का फाउंडेशन का शेड मिल जाएगा। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब मैं कभी जल्दी नहीं होती हूँ ना, उसी वक्त मुझे याद आता है कि मेरा मस्कारा जो है वो खत्म हो गया या बहुत
थिक हो गया है, लग नहीं रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, देखिए कौन सा। इसका बेस्ट तरीका है, अगर आपका मस्कारा थिक हो जाए या ख़त्म होने लगे तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स लेंसेस के सॉल्यूशन के डाल दीजिए, तो ये मस्कारा फिर से नया हो जाएगा। जब हम अपने आई लैशेस को कर्ल करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती है मस्कारा लगने के बाद, लेकिन जो कर्लर होता है समटाइम्स उससे सही तरह से कर्ल होती नहीं है, तो क्यों नहीं होती, देखिए उसका क्या तरीका है। आप अपने आई लैशेस कर्लर को हल्का सा हेयर ड्रायर की मदद से गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं करना, हल्का सा वार्म का है ऐसे, तो इस तरह से आपकी लैशेस बहुत अच्छी कर्ल हो जाएंगी। लिपस्टिक्स जो है वो ज़ाहिर है लिमिटेड लिपस्टिक्स होती हैं, हमारे पास चंद शेड्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फंकी शेड चाहिए होता है, कभी हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कभी किसी वेडिंग अटेंड करने जाते हैं, तो उसमें ज़रा डिफरेंट एक ग्लॉसी और शाइनी सा लुक चाहिए होता है, तो नहीं भी होती हैं लिपस्टिक्स हमारे पास, उसका एक बहुत जबरदस्त तरीका है, देखिए। इस तरह से आप अपना कोई सा भी शिमरी शेड बना सकते हैं आई शेड की हेल्प से, कोई सा भी आई शेड का कलर जो आपको पसंद हो, आपके कपड़ों की मैचिंग का हो, आप वो अपने किसी भी लाइटर लिपस्टिक के ऊपर लगा लीजिए, तो आपकी बहुत ही शिमरी सी ग्लॉसी सी एक लिपस्टिक का लुक आ जाएगा। इस तरह से आप कोई सा भी शेड लगा सकती हैं। जब हम मस्कारा लगाते हैं तो अक्सर मस्कारा सही लगता नहीं और बिल्कुल यहाँ फैल जाता है, उसके लिए भी एक तरीका है। अगर आप मस्कारा लगाने से पहले टिश्यू पेपर अपनी लैशेस के नीचे इस तरह से लगा लें तो आपका इजाफी मस्कारा टिश्यू पेपर पर लगेगा और आपकी स्किन खराब नहीं होगी। क्या होता है कि हम कभी आईशैडो लगाते हैं, यहाँ जरा गिर जाता है पाउडर, कुछ आईलाइनर की लाइन कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो उसको कैसे करेक्ट करें? इसके लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने किसी स्पंज पर, ब्यूटी ब्लेंडर पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लीजिए और इससे क्लीन करें, इससे आपका आई शेड भी ख़राब नहीं होगा और आपका फाउंडेशन भी ख़राब नहीं होगा। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आपने ईयरबड पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और फिर इस तरह से क्लीन किया। और तीसरा तरीका यह है कि आप अपना लूज़ पाउडर या प्रेस पाउडर लेकर ब्रश की मदद से भी साफ़ कर सकती हैं। इसी तरह से अगर आपकी लिपस्टिक फैल जाए तो आप ईयरबड पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाकर उसे नीट तरीके से दे सकती हैं। और अगर ब्लशिंग खत्म हो जाए या आपको अपना पसंद का शेड ब्लशिंग का नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप अपनी कोई सी भी लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक या पीच कलर की लिपस्टिक के थोड़े थोड़े से डॉट्स डाल दीजिए चीक्स पर और इसे ब्लेंड कर लीजिए। आंखों को लिफ्टेड और बहुत ही खूबसूरत सा बनाने के लिए ना एक बहुत मजे का हैक है, ये आईलिड के लिए आप क्या करें देखिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी आंख बड़ी और ओपन लगे तो आप अपने आईलिड्स पर इस तरह से थोड़ा सा कंसीलर या लाइट फाउंडेशन लगा लीजिए और उसके बाद आप कोई सा भी हाइलाइटर बिल्कुल आंखों के लिड पर इस तरह से हल्का हल्का सा टैप कर लीजिए, तो इससे आपकी आंख वाइट और बड़ी बढ़ेगी। अगर आप कभी जल्दी में हो ना और आईलाइनर लगाने का टाइम नहीं हो तो, और आप चाह रहे हैं कि आंख के ऊपर कुछ लगा हुआ भी हो, तो उसके लिए बहुत मजे की ट्रिक है, हैक है, देखें। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है और मैं जल्दी जल्दी से एक आईलाइनर की लाइन लगा लेती हूँ, चाहे वो नीट लगे या ना लगे, उसके बाद फिर मैं कोई सा भी कलर का आई शेडो लेकर उसे ब्रश की मदद से इस तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ कॉर्नर्स के साथ और फिर थोड़ा सा ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर उसके ऊपर लगा लेती हूँ। अच्छा, आईलैशेस जो हैं वो कुछ लोगों की बहुत थिन होती हैं, तो एक दफा मस्कारा लगाने से वो लुक नहीं आती है आईलैशेस वाली जो थिकर लुक होती है, तो उसके लिए कौन सा हैक है देखिए। इसके लिए आपने पहला बहुत ही थिन कोट लगा लिया मस्कारा का, उसके बाद इस तरह से लूज पाउडर या आप अपना प्रेस पाउडर लेकर और टिश्यू पेपर रखकर आंखों के लैशेस के नीचे इस तरह से छिड़क दीजिए थोड़ा सा पाउडर ताकि इस पर कोटिंग हो जाए पाउडर की, और उसके बाद फिर आप सेकंड कोट मस्कारा का लगा लीजिए तो आपके लैशेस बहुत थिक लगेंगी। जब आप आईब्रोज को शेप देते हैं तो उसके लिए भी कुछ हैक्स होते हैं, देखिए वो कौन से हैं। इसके लिए आप कोई सा भी डार्क ब्राउन कलर का मस्कारा ले लीजिए और इस मस्कारों को बिल्कुल ब्रश को साफ कर लीजिए इस तरह से कि उस पर ज़्यादा मस्कारा ना हो और फिर आप अपने आईब्राउज को शेप दे दीजिए। इससे बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्रश होता है तो अच्छी तरह से ब्लेंड होता है, बहुत अच्छा शेप बनता है मस्कारा का। आईब्रो को शेप देने के लिए आईब्राउज का ब्रश होता है जो कि बहुत हेल्प करता है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो ब्रश हो हमारे पास,
लेकिन उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, इसके लिए आप अपना कोई सा भी पुराना मस्कारा जिसे आप यूज़ नहीं करती हूँ उसका ब्रश निकाल लीजिए, उस पर थोड़ा सा लिक्विड सोप लगाकर उसके अच्छी तरह से धो लीजिए और अब इस ब्रश को आप यूज़ कर सकती हैं अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए। मस्कारा लगाने की एक टेक्निक होती है जिससे आपकी आंख बहुत वाइडर और खुली खुली लगती है, वो क्या है देखिए। इसका बेस्ट तरीका यह है कि जब आप मस्कारा लगाएं तो मस्कारा का जो ब्रश है उसका रुख आपकी नाक की तरफ हो, इस तरह से आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लगेंगी। कुछ लोग चाहते हैं कि उनके लिप्स जो है फुलर लगे, यानी कि भरे भरे से लगे, तो उसकी एक टेक्निक है, देख लीजिए कौन सी। इसके लिए आप कोई सी भी लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले लीजिए, अपने लिप्स को शेप दे दीजिए इस तरह से और कॉर्नर्स को ज़रा सा डार्क कर लीजिए और बीच में एक लोअर लिप पर लाइन लगा लीजिए। इससे आपके लिप्स जो हैं वो बहुत फुलर और भरे भरे से लगेंगे। अब आप बीच में इसे फिल कर लीजिए किसी भी लाइट कलर की पिंक लिपस्टिक के साथ। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लिपस्टिक जब हम बहुत क्रीमी लिपस्टिक लगाते हैं तो पूरे दांतों पर लग जाती है, और अक्सर जब हमें कोई कहता है कि प्लीज अपने दांत साफ कर लीजिए लिपस्टिक लगी हुई है तो बड़ी एंबैरेसमेंट होती है। जब भी आप क्रीमी लिपस्टिक लगाएं तो उसे लगाने के बाद आप अपनी फिंगर लीजिए और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक हो उसे फिंगर पर लगा लीजिए, इस तरह से आपके दांतों पर बिल्कुल लिपस्टिक नहीं लगेगी। लिपस्टिक लगाए तो थोड़ी देर में ये गायब, तो किस तरह से लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाता है देखिए। इसके लिए आप पहला कोट लगा लीजिए लिपस्टिक का, उसके बाद आप अपने लिप्स पर इस तरह से टिश्यू पेपर रखें और कोई सा भी लूज पाउडर या प्रेस पाउडर लेकर ब्रश की मदद से इस तरह से लगा लीजिए और फिर आप दोबारा सेकंड कोट लगा लें तो आपकी लिपस्टिक बहुत देर रहेगी। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लिप्स जो हैं वो कुछ लोगों के बहुत डार्क हो जाते हैं, तो जो हम कलर लगा रहे होते हैं लिपस्टिक का वो एक्चुअली वो शेड नजर नहीं आता है लिप्स पर, कुछ और ही नजर आता है। तो उसका भी तरीका है ताकि जो आप शेड लगाए वो एक्चुअली वही शेड नजर आए आपके लिप्स पे, वो क्या है देखिए। इसके लिए आप अपने लिप्स पर कोई सा भी कंसीलर या फाउंडेशन हल्का सा फिंगर की मदद से लगा लीजिए और अब आप जो भी कलर लगाएंगे इस पर वो चुल कलर जो होगा असल कलर वो नजर आएगा। अक्सर मेरे जो कॉलर्स हैं जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरे कॉलर्स खराब हो जाते हैं, तो लेकिन अब मुझे तरीका पता चल गया है। इसके लिए सिंपली दो टिश्यू पेपर्स ले लीजिए और अपने कॉलर्स पर लगा लीजिए, आपकी शर्ट बिल्कुल खराब नहीं होगी जब आप फाउंडेशन लगाएं। तो जिस तरह से आपको मेरी वीडियोस का इंतजार होता है इसी तरह से मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार होता है। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट्स करें, मैं इंतजार कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मुझे गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, मैं जुलाई 14th संडे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव होंगी। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नजर आ रहा है उसे भी क्लिक कर सकते हैं और मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें शैम्पू के बारे में मैंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं।